आदरणीय अभिभावकगण, जैसे कि पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी का जो संकट है उसे पूरी दुनिया इस महामारी के संकट से गुजर रही है, और स्वाभाविक ही एक ऐसे में हर क्षेत्र प्रभावित है, शिक्षा क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं रहा है। हमारे पूरे देश के 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं आज जो, और उनके अभिभावक हैं जो इस संकट को झेल रहे हैं, और आप सब एकजुट होकर के अभी तक आपने इस संकट का मुकाबला किया है। मेरी शुभकामना कि आप निश्चित रूप में जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि स्वयं घरों पर रह करके अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं चौकस रह करके, छात्रों की भी समस्या है क्योंकि विद्यार्थी सुबह से शाम तक आपके पास है और उसकी अपनी परेशानी है और आप भी निश्चित उस परेशानी को जूझ रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार करें और इस दिशा में आप के भी सुझाव मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने सुझाव जो भी आपके मन मस्तिष्क में हो वो सुझाव जरूर हमारे साथ आप बांटेंगे, हमको उन सुझावों से अवगत कराएंगे। तो सोमवार को मैं सीधे आप लोगों के साथ सीधा संवाद करना चाहूंगा। मेरी शुभकामना, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से आपका खुश रहे, आप बच्चे को उसका मनोबल बढ़ा करके रख रहे होंगे और वो सक्रिय भी होगा, वो सजग भी होगा और वो पढ़ भी रहा होगा, लेकिन 24 घंटे आप उस पर प्लीज दबाव मत दीजिए, उसको थोड़ा सा मुक्त भी रखिए और आपके मन में जो भी सुझाव आएंगे, जो भी आपके मन में कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ सुझाव होंगे, तो उसको हमारे साथ मेरे मंत्रालय के ट्विटर पर या मेरे ट्विटर पर आप जरूर और जरूर करके भेजेंगे ताकि सोमवार को उन विषयों पर सीधा आपसे मैं संवाद स्थापित कर सकूं।